नमस्कार, मेरा नाम खुशवंत पटनानी है। हम इस वक्त एनटीए अभ्यास आपका पेपर नंबर 67 जेई का पेपर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सैंपल कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लिया। ठीक है, ये मैंने लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लिया यहाँ बनाए हुए हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यूक्लियस इन द सैंपल विल डीके आफ्टर फोर हाफ लाइफ इज ए बाय बी, where a and b are least positive integers. Value of a plus b is, बहुत ही रोचक सवाल है। देखो, ये chapter nuclei से सवाल है। हम जानते हैं कि अगर initial number of जो nuclei हैं, suppose वो n not है, तो n half lives के बाद, है ना, after n half lives, n half lives, जो number of nuclei remaining होते हैं उनकी वैल्यू होती है एन नॉट अपॉन टू पावर एन। अब अगर आप ये फ्रैक्शन ले एन बाय एन नॉट, सिंपली इस एन नॉट को यहां ले आओ, तो जो वैल्यू आ रही है ये हमें दे रही है, ये जो एन था दिस वाज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग, तो एन बाय एन नॉट हमें दे रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई नॉट डीकेइंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई Not decaying. और अगर हमें निकालना है क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दैट द न्यूक्लियस डीकेज, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डीकेइंग विल बी गिवन बाय, प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत क्या होता है, समथिंग हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू वन, राइट? तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई डीकेइंग इज गिवन बाय वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई नॉट डीकेइंग, है कि नहीं? यानी कि वी गेट दिस वैल्यू एज 1 माइनस एन बाय एन नॉट विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 2 पावर एन, है ना। और कितनी हाफ लाइफ की यहां बात हो रही है, हमने एन हाफ लाइफ एक जनरल केस लिया था। क्वेश्चन में जो हाफ लाइफ हैं, देखो यहां पर दिया है, आई विल ब्रिंग द स्पॉटलाइट, देखो 4 हाफ लाइफ की बात हो रही है, मतलब हमारे क्वेश्चन के लिए एन इज इक्वल टू 4। सब्स्टिट्यूट करो, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 2 पावर 4। अब इसको बस आगे सॉल्व करो, देखो प्रोबेबिलिटी क्या आती है, 1 बाय 16 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया, यू गेट 15 बाय 16। क्वेश्चन में देखो एक बात लिखी है, ए एंड बी आर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम वैसे भी 15 और 16 को आपस में कैंसिल नहीं कर सकते, है ना, सो दीज आर द लीस्ट पॉसिबल इंटीजर्स। मतलब क्वेश्चन से कंपेयर करोगे अगर वैल्यूज को, तो ए इज इक्वल टू 15 एंड बी इज इक्वल टू 16। पूछा जा रहा है ए प्लस बी, यानी कि आंसर आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 15 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 31। हो रहा है क्लियर, है ना? तो हमने बेसिकली जो किया ये है, फंडा समझते हैं दोबारा से, इस सवाल का जवाब आपको क्लियर हो गया है, आई होप द सवाल का जवाब इज 31, है ना, ये इंटीजर है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। सो द पॉइंट इज, हमें क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग कुछ न्यूक्लियाई हैं जो डीके हो रहे हैं, हमें बताना है 4 हाफ लाइफ्स के बाद सैंपल डीके हो जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग आफ्टर एन हाफ लाइफ्स इज एन नॉट बाय 2 पावर एन, यानी कि एन बाय एन नॉट हमें देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई नॉट डीकेइंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डीकेइंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस नॉट डीकेइंग, यानी कि 1 माइनस एन बाय एन नॉट, बस हमने सब्स्टिट्यूशन किया, एन की वैल्यू 4 डाला टू गेट दिस एज द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन 15 बाय 16। जब इन्हें ऐड किया ए और बी को, यू गेट द आंसर एज 31। तो इस सवाल का जवाब हो गया 31, यानी कि 31। ग्रेट, आई होप द सवाल का जवाब इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल।